सनसनीखेज वारदात वापरी है। एक मुंडे नूं सिर्फ जादू टूने दे लई मार मका दिता गया। उसकी धौन दे उत्ते तेज हथियार हथियारों दे नाल वार कीते गए चार साल दे मासूम बच्चे नूं कतल कर दिता गया सिर्फ जादू टूने दे कारण। काले जादू की भेट चढ़ गया पंजाब दा एक मासूम बच्चा। तस्वीर तुहानूं मौके ते दिखा दिंदे आ। तस्वीरों के हिसाब नाल दस्सिया जा रहा है कि फिलहाल खन्ना दा रहण वाला परिवार है। इस परिवार दे विच एक चार साल का मासूम बच्चा रह रहा सी। बच्चा रोज़ वांग अपने मापिया के नाल घर के अंदर सुत्ता पिया सी। घर के अंदर सुते पे बच्चे नूं कोई चुक के लै गया। चुक के ले जाके फिलहाल दस्या जांदा है कि काले जादू के कारण जादू टूने के कारण चार साल के मासूम बच्चे का गला वढ़ के कतल कर दिता गया। रूह कंबा देने वाली वारदात खन्ना दे विच वापरी दसी जा रही है। चार साल के मुंडे का सिर्फ तंत्र विद्या तंत्र मंत्र की विद्या के कारण काले जादू के कारण कह सकते हो या जादू टूने के कारण एक चार साल के बच्चे नू, मासूम नू कतल कर दिता है। जिस तो बाद माँ की हालत इतने तुम वेख सकते हो तरसयोग हो पई है। माँ को समझ ही नहीं आ रहा कि उसका चार वरियां का पुत इस तरीके कतल कर दिता जाएगा। मापिया के कोल पिया पुत कोई घरों चक के लै गया। जिस तो बाद दसा जाता है कि मिस मापिया के पुत नू कतल किया गया। घिनौनी वारदात खन्ना दे विच वापरी दसी जा रही है। ये रूह कंबा देने वाली वारदात कही जा सकती है जो खन्ना च वापरी है। फिलहाल इन्हां तस्वीरों नाल दस दिए कि इस मुंडे की धौण निक्के जे का बच्चे की धौण वर दी गई है। जिसकी तस्वीर तुसीं इस वेले अपनी स्क्रीन पर वेख पा रहे हो। साइड उत्ते नज़र आ रही वो बच्चे की तस्वीर है जिसनों कतल किया गया। माँ का रो रो बुरा हाल होया पे पत्थर बनीए माँ अखा च हंझू लई हले भी कितें रो उसका पुत मुड़ावे इस आस दे नाल इधर उधर झाक रही है। इस माँ के पुत नूं किसे होर ने नहीं बल्कि गुआंढियां ने ही कतल कर दिता सिर्फ काले जादू दे नाल। हाथ दे नाल अपने पुत नूं आवाज़ा मारदी तुसीं वेख सकते हो। अपने पुत नूं आवाज़ा मार रही है माँ। मंजे ते बेसुध पई है। उसनूं समझ ही नहीं आ पा रहा है कि उसका घर इस तरीके नाल जाड़ देगा। कोई काले जादू के कारण जादू टूने के कारण दस्या जाता है कि गुआंढी ने ही चार साल के बच्चे नूं घरों चुक लिया। फिलहाल दस्या जाता है कि पूरा परिवार घर के सुत्ता पिया सी। सवेरे जो तो परिवार उठाया तो देखा बच्चा गायब है। बच्चे की भाल करनी शुरू कर दी। फिलहाल बच्चे का तो किधरे पता कोई नहीं लग्या। चार साल का निक्का जिहा मासूम सी। थोड़ी देर बाद दस्या जाता है कि उस मासूम बच्चे की लाश है घर के नेड़े ही एक खाली प्लाट के विचों मिली जिथे कि बच्चे का गट्टा होण वड्डी हुई सी। उसका कतल किया होया सी। मामला तंत्र विद्या का दस्या जा रहा है। मृतक के परिवार के मुताबिक बच्चे घर तो उस वेले चक्या गया जो पूरा परिवार अद्धी रात को घर सुत्ता पिया। बच्चा अपने दोवें भैन भरावां दे नाल सुत्ता सी। इस दौरान बच्चे नूं चुकन वाले व्यक्ति का फिलहाल मामले का खुलासा उदों होया है जदों दस्या जांदा है कि जिहड़े बंदे ने घरों न्याणा चुकिया है वह गलती दे नाल न्याणा चुकन वेले अपना मोबाइल फोन उस मंजे दे उत्ते सुट गया। उसका मोबाइल फोन उसके मंजे ते डिग पिया। बच्चे के पिता ने जो एक बजे अख खुली तो वेख्या बच्चा गायब से। जिस तों बाद बच्चे की भाल करनी शुरू कर दी। मंजे ते पे मोबाइल तो ही सारी वारदात का खुलासा होया। देर रात बच्चे नूं घरों चुक के लै गए। गुआंढी ने ही दस्या जांदा है कि जादू टोने के कारण दे चार साल के मासूम बच्चे नूं कतल कर दिता है। एक खन्ना दे विच वापरी वारदात है। खन्ना दे विच वापरी इस घिनौनी वारदात तो बाद फिलहाल पुलिस दे वल्लों सारे मामले जल्द ही एक वड्डी प्रैस कॉन्फ्रेंस की जानी है। पूरा परिवार सुत्ता पिया सी ते पिछों चार साल के जवाक नूं कोई चुक के लै गया। माँ इस वेले कह सकते हो कि पत्थर बन चुकी है। उसके जिगर का टोटा घरों ही गायब हो गया। घरों गायब होए चार साल के मासूम बच्चे नूं कोई चुक के लै गया तो फिर उसकी बली दे दिती है। उसके निक्के भैन भरा तुसीं वेख सकते हो कोल खड़े ने। फिलहाल अपने छोटे भरा की उड़ीक करते हैं। कितने ना कितने माँ अपने कह सकते हो भरिया अखा दे नाल अपने पुत नूं आवाज़ा मार रही बार बार कमली होई पई है। पर उसके पुत दा कतल गुआंढ च रहिंदे ही परिवार के वलों सिर्फ जादू टूने के कारण कर दिता गया दस्या जा रहा है। जो जानकारी मिली है तस्वीरां लाइव ने तुहाडी स्क्रीन के उत्ते। फिलहाल असीं इस संबंधी इस परिवार के नाल गलबात की है। तुहानूं भी सुना दिंदे की कहना उन्हां दा। कंजन जी क्या बात हुई आपके जो बच्चे की डेथ हुई है? बात तो कोई नहीं था। हम लोग सोए हुए थे घर में। तीनों बच्चा मेरा बेड पर सोया हुआ था। हम दोनों व्यक्ति नीचे सोए हुए थे और उसके बाद जाके मेरा घर वाला उठे। उसके बाद देखा मोबाइल चल रहा है। उठा के मोबाइल देखे मुझसे पूछने लगे किसका मोबाइल है, चेंज हो गया है मोबाइल। फिर हम बोले अपना मोबाइल देखिए कहाँ है। तो मोबाइल मेरा देखा तो रखा हुआ है बिस्तर पर। और ये किसका मोबाइल है पता
नहीं चला, उसके बाद खोजने लगा। तो हम ना नींद टूटा, उसके बाद हम बिस्तर पर अपना बच्चा खोजने लगे। मेरा दो बच्चा है, छोटा वाला बच्चा नहीं है। वही हम बाहर निकले सबको खोजने के लिए, सब उठाए, किसी को नहीं पता, सब सोया हुआ था। बगल वाली दीदी को भी उठाए, वो भी उठी, उसको भी पता नहीं, सब तरफ सब खोजने लगे। बाहर निकले, बाहर का कुंडा लगा हुआ था, तो कुंडा हम लोग खोले, तो बाहर निकले, बाहर निकले तो सब पुलिस उलिस आ पहुँचल था, बाहर में पहुँचा हुआ था, इधर उधर खोज पुछार में था। तब मेरे बगल वाले भैया हैं, उससे वही पूछे है, वो पुलिस से पूछे क्या हुआ, बोला कि पता नहीं, छोटा सा मुंडा था, सो गया था, नहीं मिला, बिस्तर पर है नहीं, उसी को हम खोज रहे, भर घर नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला। तो फिर पुलिस बोले चलो एक बच्चा है वहाँ पर, या आकर पहचान लो, और कोई बात नहीं हुआ। वहाँ जाकर गए देखने के लिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो आदमी से, यहाँ मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, सिर्फ अपना बाल बच्चा के लेकर घर में रहते हैं, और बाल बच्चा भी मेरा घर ही में रहता है, और कहे नहीं। और बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम रवि राज नाम है। अच्छा, उम्र कितनी थी बच्चे की? 4 साल। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले समस्तीपुर के। तो बंदा अंदर कैसे आ गया, कुछ पता नहीं चला? पता नहीं चला, कुंडा लगा हुआ है बाहर का, पता नहीं चला, कैदा काया है, मुझे लगता है दीवार छरप काया होगा। पता चला क्यों उसने मारा बच्चे को? पता मुझे चला का हुआ ही नहीं बताएगा क्यों मारा नहीं मारा, जब मुझे उसको कभी नहीं पहचानते, कभी नहीं बातचीत हुआ, फिर हम कोई गलती नहीं किए, नहीं उसका एक रुपया जानते हैं, नहीं वो मेरा जानता है, उससे मुझे कोई मतलब है नहीं है। तो वही बताएगा ना क्यों मेरा बच्चा को क्यों ले गया घर से उठा के, मेरा बच्चा को हाजा गल्ला कर क्यों मार दिया है, मुझे वही चाहिए ना, वो क्यों किया ऐसा, मेरा बच्चा खिला देगा वो वापस, बताइए। बोलिए उसको ला देने के लिए, मेरा बच्चा बच्चा बिना मर रहे, मर जाएंगे हम बच्चा बिना, मेरा और कोई नहीं है। तांत्रिक विद्या का भी चक्कर है कुछ ऐसा पता चला? वो बात हम नहीं जानते हैं क्या है नहीं है। तो पकड़ा गया बंदा वो जिसने मारा? शायद पकड़ाया है, पकड़ा के शायद ले गया जेल। रामा सांडिल, क्या हुआ बच्चे के साथ, क्या हादसा हुआ बच्चे के साथ? हम जब 1:50 में उठे तो बच्चा मेरा बेड पर नहीं था, जो कत्ल किया उसका मोबाइल बेड पे पड़ा हुआ था, बच्चे को कंधे पे लाद के वो ले गया बाहर में, बच्चा को खोजे, बच्चा नहीं अंदर में मिला, उसके बाद प्रशासन पहुँच के बताएं कि बच्चा का कत्ल हुआ है, तो बच्चा का देखने गए फ्रंट पे तो बच्चा मेरा ही था। तो पता चला है क्यों मारा है बच्चे को? ओ बोला यूं ही मारे हैं। मारा गला दबाकर मारा है कि कैसे मारा है? ओ गला रेत के मारा है, कोई चाकू से मारा है। पहले आता जाता था बंदा आपके घर में कभी? नहीं आता जाता था, नहीं था। पैसे जानते थे? नहीं, मेरे गांव का भी नहीं है, हम नहीं जानते थे। कोई दुश्मनी किसी तरह की? कोई दुश्मनी नहीं है, वो उसको वो जानते ही नहीं, उसको हम दुश्मनी कह सकते, कोई दुश्मनी। उस वक्त तो उसने बताया कुछ भी क्यों मारा है? जब वो बताया कि ऐसे नशे में था, बलि दे दिया है? बच्चा को बलि दिया। अच्छा, तांत्रिक विद्या का? हाँ हाँ, तांत्रिक विद्या का जी। पिंड च हादसा होया की पूरा मामला होया? रात तकरीबन 2 बजे की गल आ जी, ये अपने नाल सुते पे अपने पिंड किराए तो रेंदे ने, इन्हां दा ना अपने 13 नंबर वार्ड च भैया रहिंदा, नशा कीता ती, इन्हां दा बचवा घरों चक के लै गया ते उहदी चाकू मार के गला कट के हत्या करती। कुछ पता लग्गिया वी क्यों मारिया है? नहीं जी, इहदा मतलब कुछ नहीं पता लग्गिया। फिर अपने SSP साहब जिहड़े अपने खन्ना दे ने, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करदे हुए उन्होंने मौके ती फड़ लिया। हाँ जी, मैं मौजूदा सरपंच जी। नाम की? मेरा समुंद सिंह जी, समुंद सिंह नाम मेरा। हाँ जी,
ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ।